हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग योर स्टडीज इजेंट इट माय नेम इज एनचो एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि कंपाउंड को तीन पार्ट में बांटा जा सकता है हक्कल के अकॉर्डिंग कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंपाउंड का एक्सटेंशन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम जानने वाले हैं कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं ये जानने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मेरे पास दो दिए हुए हैं और नीचे मेरे पास दो कार्बोकोटाइन दिए गए हैं तो आपके अकॉर्डिंग इन दोनों कार्बोनइन में से कौन ज्यादा स्टेबल है और नीचे इन दोनों कार्बोकोटाइन में से कौन ज्यादा स्टेबल है तो बेसिकली होगा क्या ये जो कार्बोनइन है इसमें कार्बन का नेगेटिव चार्ज ये बेंजीन के साथ एडजस्टेड है इसलिए ये नेगेटिव चार्ज अब बेंजीन में माइग्रेट करेगा तो बेंजीन में तो तीन जगह माइग्रेट करेगा दो जगह ऑर्थो पे और एक जगह पैरा पे यानी इस कंपाउंड से इस तरह तीनों रिंग में माइग्रेट होने पे आपके पास टोटल टेन आर एस बनेगी और इसी तरह इस फर्स्ट कार्बोन में ये नेगेटिव चार्ज इस तरह माइग्रेट करेगा और इससे टोटल आपके पास फाइव आर एस बनेगी इसका मतलब ये हुआ इन दोनों कंपाउंड में से कंपाउंड सेकेंड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है इसी तरह अगर नीचे वाले दोनों कार्बोकोट की बात करें तो इसमें टोटल टेन रेजोनेटिंग सेक्शर्स आएंगी और इसमें टोटल थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगी और प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा ही है जिसमें जितनी ज्यादा आरएस वो कंपाउंड या वो इंटरमीडिएट उतना ज्यादा स्टेबल तो इन दोनों कार्बोकोटेन में से अगेन कार्बोकोटेन सेकंड जो है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों का आंसर मेरे आंसर से सेम है अगर आपका भी यही आंसर है इसका मतलब ये है कि आपने इसमें क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का ध्यान ही नहीं रखा अगर इसके आंसर की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी ऐसी ना आकर बिल्कुल इसका अपोजिट आएगी यानी ये वाला कार्बोन स्टेबल होगा और ये वाला कार्बोक स्टेबल होगा ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसमें क्वासी एरोमेटिसिटी के कारण हुआ अब क्वासी एरोमेट्रिटी या फिर एरोमेटिक कंपाउंड को समझने के लिए हम दो तरह के कार्बोकोटाइन को ले लेते हैं अब इसमें क्या करते हैं सबसे पहले हक्के रूल के अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं इनमें से कौन सा एरोमेटिक है या फिर ये दोनों एरोमेटिक है अगर आप हक्के रूल ऑपरेट करना जानते हो और इसमें ऑपरेट करोगे तो आप देखोगे इस कार्बोकोटाइन में इस रिंग में टोटल थ्री पाइबोन यानी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और सिक्स इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण जब इसमें आप हक रूल ऑपरेट करोगे तो इसमें एन की वैल्यू आपके पास आएगी वन और ये पाई रूल को फॉलो करेगा यानी ये जो होगा ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा ठीक है इसी तरह जो दूसरा कार्बोगटाइन है इसकी रिंग में टोटल टू इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण जब इसमें आप एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये पाई रूल को फॉलो करेगा यानी कि ये टू पाई इलेक्ट्रॉन के कारण आपका एरोमेटिक एरोमेटिक बन जाएगा अब दोनों ही एरोमेटिकटाइन है तो फिर हम क्या करें फिर हम इसकी सेकेंड आरएस चेक करते हैं हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये बेन्जाइल कार्बोकेटाइन है क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है तो बेंजीन क्या करेगा इस केस में अपना प्लस एम ऑपरेट करेगा और इस कारण से अब ये कार्बो के जो होगा यह पॉजिटिव चार्ज जो होगा बेंजीन की ओर थो पोजिशन पर माइग्रेट कर लेगा यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन की रिंग में एंटर कर लेगा जिससे हमारे पास ये इसकी एक आर बन जाएगी अब इसकी और आर एस भी ड्रॉ कर सकते थे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो था अब डबल बोन के साथ कंजुगेशन में है तो अगेन इसमें अब पॉजिटिव चार्ज के साथ रीअरेंज होकर ये डबल बोन एक नई आरएस की फॉर्मेशन कर लेगा इसी तरह हम सेकेंड वाले कार्बोगटाइन में कर सकते हैं अगर सेकेंड वाले कार्बोगटाइन में इसकी हम आरएस को ड्रो करें तो इसमें डबल बॉन्ड के माइग्रेशन से इसकी जो एक आर एस ड्रो होगी वो कुछ इस तरह की ड्रो होगी अब मान लो इस कंपाउंड की एक आर एस और ड्रो करते हैं कि इसमें अब ये जो डबल बोन्ड है वो इधर माइग्रेट करेगा और इससे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसकी इस पोजीशन पे आ जाएगा अब इतने करने के बाद जो हमारे पास पहला कार्बोग था इसकी जो सेकेंड आर है से, इस पर हक्कल रूल ऑपरेट करके देखते हैं क्योंकि इसमें अभी जो पॉजिटिव चार्ज है क्रॉस कंजुगेशन में आ गया क्रॉस कंजुगेशन में कैसे आ गया कि यहां से ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के होता हुआ ये बाहर निकल जाएगा इसका मतलब इस कंपाउंड में कंजुगेशन ना होकर क्रॉस कंजुगेशन है और क्रॉस कंजुगेशन किसी कंपाउंड में होता है तो ऐसे कंपाउंड हमेशा नॉन एरोमेटिक होते हैं इसी तरह सेकंड कार्बोगटाइन की सेकंड आर एस में रूल को ऑपरेट करते हैं इसमें अगेन टू इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है इसलिए ये वाली आरएस भी एरोमेटिक है इसी तरह इसकी थर्ड भी एरोमेटिक होगी तो आपने एक चीज नोटिस करी कि पहले वाला कार्बोगटाइन एरोमेटिक था बट उसके बाद किसी भी आरएस में ये एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक बन गया जबकि दूसरे वाला कार्बोगटाइन पहले भी एरोमेटिक था और सभी आरएस में ये एरोमेटिक बना रहा अभी सब आर एस में कैसे बना रहा क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व था जबकि इसका पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं था ये कैसे पता लगा क्योंकि जो हमारे पास कंपाउंड था इसके पॉजिटिव चार्ज को आपने छोड़कर इस रिंग में टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन काउंट करे थे यानी इसका पॉजिटिव चार्ज जो था वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं था जबकि इसका पॉजिटिव चार्ज आपने काउंट करके पूरे रिंग में तो इसको माना था, था। यानी इसका पॉजिटिव चार्ज में इन्वॉल्व तो ऐसा से ये सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड है जबकि ये कार्बोकेटेन क्वासी एरोमेटिक अगर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड को डिफाइन करना चाहे तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशल टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनके चार्जेस एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होते हैं या सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा कह सकते हैं कोई भी ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जो अपनी हर आर में एरोमेटिक बना रहे वो क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा जबकि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर अपनी आर में एरोमेटिसिटी को रिटेन नहीं कर सकता वो कभी क्वासी एरोमेटिक ना होकर सिर्फ एरोमेटिक होगा इसलिए अगर इन दोनों में से स्टेबिलिटी डिसाइड करें तो आप ये कंपेयर करो इसके सारी आर एस एरोमेटिक है जबकि इसमें तो केवल फर्स्ट आरएस एस एरोमेटिक है इसलिए इन दोनों में से अगर स्टेबिलिटी डिसाइड की जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी क्योंकि ये क्वासी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है बिल्कुल इसी तरह से जो स्टार्टिंग में हमने दो कंपाउंड लिए थे अगर उनको कंपेयर किया जाए तो इसमें जो फाइव आरएस बनती है वो क्वासीटिकली एरोमेटिक होगी इसका नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा इसी तरह से इस कार्बोकोटाइन की टोटल तीन आर एस बनेंगी तीनों क्वासी एरोमेटिक होंगी यानी इसका पॉजिटिव चार्ज इसकी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा इसलिए इन दोनों कार्बोन में से अगेन क्वासी एरोमेटिक स्टेबल होगा और इन दोनों कार्बोकोटाइन में से अगेन क्वासी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां तक हमको एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में उसका जो चार्ज होता है वो एरोमेटिक सिटी में इन्वॉल्व होता है वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है इसी तरह ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा चार्जेस हो यानी दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव हो ऐसे कंपाउंड भी क्वासी एरोमेटिक बन सकते हैं जैसे इस कार्बोक में दो पॉजिटिव चार्ज है और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है अगर इस कंपाउंड पे या इस आयन पे हम हक्कर रूल को ऑपरेट करें तो इसमें टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और अगर इस कंपाउंड में एन की वैल्यू जीरो रखोगे ये फोर एन प्लस टू पाई रूल को फॉलो करेगा यानी कि ये टू पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण एरोमेटिक बन जाएगा अब जैसे ही इस कंपाउंड की इस डबल बोन्ड को रोटेट करके इसकी अगली आर को ड्रॉ कर लेंगे और जैसे जैसे इसमें डबल बॉन्ड को रोटेट करते जाएंगे इसकी सभी आरएस की फॉर्मेशन हो जाएगी अब इसमें से किसी भी आर को आप पिक कर लो चाहे आप इस आरएस को कंसिडर करो या इन दोनों में से कोई एक आर को कंसिडर करो अगेन इसकी सारी आर एस एरोमेटिक है इसलिए इस एरोमेटिक के टाइन को अब हम क्वासी एरोमेटिक कहेंगे इसी तरह से इस कार्बेन में दो नेगेटिव चार्ज है और दोनों ही इनेक्टिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो इस कंपाउंड में टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और अगर इसके लिए आप एन की वैल्यू वन रखोगे तो ये कंपाउंड फोर एन प्लस टू पाई रूल को फॉलो करेगा और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा अब इस कंपाउंड की कोई भी आर एस आप ड्रो करके देखोगे तो इसके सभी आर एस में सिक्स इलेक्ट्रोन इन्वॉल्व होंगे यानी कि इसमें ये दोनों नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है और इसके टाइम में दोनों पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है इसलिए ये दोनों ही कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक कहलाते है हैं बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ट्रोपाइलियम आयन होता है इस कंपाउंड में टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है अगर इसकी हम फर्स्ट आर को ड्रॉ करें तो इसमें ये जो आर बनेगी अगेन इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और दोनों ही आर इसकी इसकी के अकॉर्डिंग एरोमेटिक होगी इस कंपाउंड की टोटल सेवन डिफरेंट आर को बनाया जा सकते हैं अब आप ये सोच के मुझे बताओ कि ये कंपाउंड सिर्फ सिक्स इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक है या फिर ये क्वासी एरोमेटिक केटाइन है ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसके साथ की सात आर जो बनेगी जैसे अभी हमने यहाँ पे दो बनाई हैं इसकी पांच आरएस और बन सकती है यानी टोटल ट्रोपाइलियम केटाइन की सेवन आर बनेगी ये सातों की सातों आरएस जो होंगी उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा वो एरोमेटिक होगी इसलिए ट्रोपाइलियम आयन जो होता है वो क्वासी एरोमेटिक होता है अब वीडियो के इस पार्ट तक हमने क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करना और उसकी स्टेबिलिटी को निकालना बहुत अच्छे से सीख लिया अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कंपाउंड हैं। अब आप मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा ये दोनों ही कंपाउंड जो है वो क्वासी एरोमेटिक है और दोनों ही कंपाउंड में ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट होगा इसमें टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा यहाँ हम ऐसा कह लें कि दोनों ही कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक तो है जबकि फर्स्ट कंपाउंड में टोटल तीन आर एस बनती है और तीनों की तीनों आर एस एरोमेटिक होती है इसी तरह सेकेंड कार्बोगैन में टोटल सेवन आर एस बनती है और सात की सात आर एस एरोमेटिक होती है इसलिए है तो दोनों क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बट इसमें इसकी टोटल आर एस ज्यादा बनने के कारण इन दोनों में से ये जो सेकेंड केटाइन होगा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी अब यहाँ तक हमने जितने भी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के या इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल लिए हैं उन सब में या तो पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव था या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे यानी उसमें पहले से ही चार्ज जो था वो प्रेजेंट था बट कुछ ऐसे भी क्वासी कंपाउंड होते हैं जो चार्ज को डेवलप कर लेते हैं और चार्ज डेवलप होने के के कारण वो एरोमेटिक बन जाते हैं जैसे इस टाइप कीटोन मोलिक्यूल अपने इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर लेते हैं और ऐसा करने के कारण मोलिक्यूल की एक आर एस की फॉर्मेशन होती है इस आर एस में मोलिक्यूल की इस थ्री मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है अगर इस रिंग में रूल को ऑपरेट करें तो इस रिंग में टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और यहां पर अगर एन की वैल्यू को जीरो रखा जाए तो यह कम्पाउंड फोर एन प्लस टू पाई को करता है और इस कारण से अब कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है अगर इसकी दूसरी आर एस ड्रॉ करोगे तो इसमें अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है यानी इसकी सभी आर एस अब एरोमेटिक बनेगी इसलिए इस कंपाउंड को चार्ज डेवलप होने के कारण या उसके चार्ज का एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होने के कारण क्वासी एरोमेटिक कह सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से इस कंपाउंड में जब इस सी डबल बोन ओ के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस सेवन मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी जिससे इस सेवन मेंबर रिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा इसलिए ये कंपाउंड भी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा अगर इस कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होंगे तो इस फाइव मेंबर रिंग में के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी जिससे इसमें टोटल पाई का कंजुगेशन होगा और इसमें फोर पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण जब एन की वैल्यू इसमें वन रखेंगे तो ये फोर एन प्लस पाई रूल को फॉलो करेगा यानी कि अब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन जाएगा जो कि रूम टेम्परेचर पर हाईली अनस्टेबल होंगे इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड है जिसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बोन्ड है जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्रायोफलविन कंपाउंड दिया गया है अगर इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का पोलर बोन्ड था इसलिए इसको हमेशा हमने इस तरफ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करके इसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर दी बट यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो बोड है ये एक्सोसाइक्लिक बोड पोलर नेचर का ना होने के कारण अब इसमें दो पाथ पॉसिबल है पाथ ए और पाथ बी ब्लू कलर के पाथ ए में यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो इस पर और इस कार्बन कार्बन पर पर पॉजिटिव चार्ज चार्ज और नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी जिससे हमारे पास कुछ इस तरह की इसकी आर एस बनेगी इसी तरह से इसमें पाथ बी भी पॉसिबल है और पाथ बी के अकॉर्डिंग इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन से इसमें रेड कलर की आर एस बनेगी अब इसमें से पाथ ए और पाथ बी में से कौन सा फेवरेबल पाथ है इसके लिए इनकी आरएस को आपस में कंपेयर करेंगे अगर इसमें फर्स्ट पाथ ए के थ्रू बनने वाली आर एस को देखें तो इसकी रिंग में टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा जिससे ये रिंग एरोमेटिक बन जाएगी जबकि पाथ बी में इसमें फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा ये एंटी एरोमेटिक रिंग होगी यानी इन दोनों पाथ में से पाथ ए फिजिबल होगा पाथ बी इसमें कभी भी फिजिबल नहीं होगा और पाथ ए के कारण इस कंपाउंड की जो फाइनल नेचर होगी वो एरोमेटिक मानी जाएगी क्योंकि इस कंपाउंड के पाथ ए में ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है इसलिए अब इस एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे इसी तरह से पेंटाफुलवीन में दो पाथ पॉसिबल हो सकते हैं पाथ ए और पाथ बी पाथ ए में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन से इसकी इस तरह की आरएस बनती हैं और पाथ बी में इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की की फॉर्मेशन से से इस टाइप आरएस बनती है अब इन दोनों में अगेन कौन सा पाथ फिजिबल होगा इसके लिए इन दोनों आरएस में से जो ज्यादा स्टेबल होगी वो पाथ फिजिबल होगा जैसे इस आरएस में इस रिंग में टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है जिससे ये रिंग एरोमेटिक बन जाती है जबकि इस रिंग में टोटल फोर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हो रहा है इसलिए ये रिंग एंटी एरोमेटिक है इसलिए इन दोनों में से पाथ बी जो होगा वो फिजिबल होगा पाथ ए फिजिबल नहीं होगा और ओवरऑल इस कंपाउंड की नेचर एरोमेटिक होगी क्यूँकी इसका नेक्टिव चार्ज एरोमेटिस में इन्वॉल्व होगा और टोटल सिक्स का कंजुगेशन होगा इस कारण से इस कंपाउंड को एरोमेटिक होने के बाद अब हम इसे क्वासी एरोमेटिक कह है सकते हैं अब मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप के कंपाउंड है जिसमें दो रिंग आपस में डबल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ी हुई है तो ऐसे कंपाउंड में हर रूल को ऑपरेट करने के लिए हमको तीन रूल को फॉलो करना पड़ेगा रूल नंबर फर्स्ट ऐसे कंपाउंड या तो एरोमेटिक हो सकते हैं या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं बट ऐसे कंपाउंड कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते नंबर सेकेंड अगर कंपाउंड में दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाती है तब ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा नंबर थर्ड अगर कंपाउंड में एक भी रिंग नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक है ऐसी कंडीशन में उस पूरे कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक मान लेंगे तो सबसे पहले कंपाउंड के इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें दोनों सिमेट्रिकल रिंग है तो इसलिए इसमें पाथ ए और पाथ बी दोनों सेम रिजल्ट देंगे तो किसी एक पाथ को हम कंसिडर कर लेते हैं पाथ ए के अकॉर्डिंग इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि इसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की, की, की ये एंटी रिंग हो और इस रिंग में टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये रिंग एरोमेटिक होगी अगर पाथ बी फॉलो करते तो उससे भी हमारे पास सेम रिजल्ट आता कि एक रिंग इसमें एरोमेटिक होती और दूसरी रिंग इसमें एंटी एरोमेटिक होती अगर पाथ ए में बने हुए को करें इसमें एक एंटी एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्व हो गई है इसलिए अब ये जो कंपाउंड होगा ओवरऑल नॉन एरोमेटिक कहलाएगा अब अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है है जिसमें दोनों रिंग डिफरेंट साइज की है। तो ऐसी कंडीशन में हमको दोनों पाथ को चेक करना होगा पाथ ए के अकॉर्डिंग इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज और इस रिंग पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी जिससे इसकी आर एस कुछ इस तरह से दिखाई देगी और पाथ बी के अकॉर्डिंग इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी जिससे इसकी कुछ इस तरह से शिक्षा दिखाई देगी तो सबसे पहले इस पाथ ए और पाथ बी में से कौन सा पाथ फिजिबल है हमको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा जैसे पाथ ए के अकॉर्डिंग में टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा ये रिंग एरोमेटिक बन जाएगी और इस तरह इस रिंग में टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और ये रिंग एरोमेटिक बन जाएगी अगर पाथ बी होता तो इस रिंग में टोटल फोर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता और ये रिंग एंटी एरोमेटिक होती और इस रिंग में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है ये रिंग एंटी एरोमेटिक होती है इसमें दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक बन रही है और इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही है इसलिए इन दोनों पाथ में से पाथ बी कभी भी फिजिबल पाथ नहीं है पाथ ए एफिजिबल पाथ है क्योंकि इस कंपाउंड में अब दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही है इसलिए इस कंपाउंड को ओवरऑल हम एरोमेटिक कहेंगे और इसमें चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है इसलिए अभी ये क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा इसी तरह से ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हुए क्वासी एरोमेटिक की कैटेगरी का बन जाता है इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से माइग्रेट करते हैं कि इस फाइव मेंबर रिंग पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है और इसकी जो आरएस बनती है इसमें इस रिंग के थ्रू टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और इसी कारण से सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के थ्रू ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसकी हर आरएस में या एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है इसलिए इसे हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि वैसे एरोमेटिक कंपाउंड की सिर्फ स्टेबिलिटी ही इंक्रीज होती है यहाँ पे हमारे पास तीन कंपाउंड है जिसमें बेंजोफिनोन का डायपोल मूवमेंट 2.95 है ऐसीटोन का डायपोल मोमेंट 2.69 है जबकि इसमें डायपोल मोमेंट 4.17 है तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होने का रीजन यही रहता है कि ये कंपाउंड अपने आप को क्वासी में कन्वर्ट कर लेते हैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होते हैं और इस कंपाउंड के अगर हम आरएस बनाए तो इसमें सेवन मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और इसमें टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है इस कारण से ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसकी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है और

हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हक्कर रूल यानी एरोमेटिसिटी की क्या एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे